नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 775वां एपिसोड। आज 16 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर और स्पेशली क्योंकि वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, तो दिन भर की 10 बड़ी पिछले 24 घंटे में निकल कर आई 10 बड़ी क्रिकेट वर्ल्ड कप आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह पर दे दिया है बड़ा बयान और ये बयान सचमुच सुनने लायक है। जसप्रीत बुमराह इस वर्ल्ड कप में खेल नहीं रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा है, सेविंग बुमराह करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस टी20 वर्ल्ड कप। बुमराह के करियर को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टी20 वर्ल्ड कप से। मेरा एक सवाल है, बुमराह के करियर को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप से तो इंपॉर्टेंट है, क्या आईपीएल से भी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईपीएल तो बुमराह पूरा खेल रहे हैं, बट जब हिंदुस्तान की बारी आती है तो वो अनफिट हो रहे हैं। और मैं आईपीएल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बट दुनिया के सारे बड़े स्टार, इवन रवि शास्त्री भी ये बोल चुके हैं कि भारत के बड़े प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वरना हम बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े प्लेयर्स को मिस करेंगे और एट द एंड हिंदुस्तान पहले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो सौरव गांगुली ने अब नया प्रोजेक्ट अपना चालू किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की राह पकड़ चुके हैं, क्योंकि कैब के प्रेसिडेंट बन सकते हैं सौरव गांगुली। कहा जा रहा है कि वो कैब प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है उसमें खड़े होंगे। हालांकि पहले भी एक बार गांगुली कैब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बाद में बीसीसीआई में आए थे, लेकिन वो फिर से क्रिकेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वापस कैब की तरफ जा रहे हैं। बीसीसीआई से तो उन्हें निकाला गया था, और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। तो क्रिस गेल शुरू करने वाले हैं अपनी खुद की लीग, और ये लीग टी10 लीग होगी और ये लीग हिंदुस्तान में शुरू होगी। दरअसल क्रिस गेल सुपर टैम नाम से अपनी एक लीग शुरू करने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स एक साथ टी10 फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे। आपको एक चीज और बता दूं कि किच्चा सुदीप, जो कि साउथ के सुपरस्टार है, वो भी इसमें स्टेक होल्डर है। तो गेल किच्चा सुदीप के साथ मिलकर ये लीग शुरू करेंगे। अब आप भी इस पर अपनी राय दीजिएगा, ये लीग कितनी सफल होगी, क्या आप देखेंगे? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि गेल को तो सभी को ही देखना चाहते हैं यार। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रियान पराग ने सभी को बस आउट कर दिया और एक बड़ा बयान दे दिया, और ये बोल सकते हैं हम कि आईपीएल 2023 का बिगुल बजा दिया। रियान पराग ने बयान दिया, सेंड आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई विल मेंशन समबडी इन द नेक्स्ट आईपीएल। बोल रहा है, मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा हूं कि अगले साल के आईपीएल में मैं किसी ना किसी को मेंकंड आउट करूंगा। इनका ये बयान आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेंकंड आउट अब लीगल हो चुका है, तो शायद पराग बहुत सारे मेंकंड करने वाले हैं, और मेरे हिसाब से तो वो तैयारी कर रहे होंगे कि कौन सा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज पहले निकल जाता है और उनको वो टारगेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी न्यूज की। तो टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि कमेंटेटर्स की लिस्ट आई, ज्यादा भारतीय नाम नहीं रहे ऑफिशियल कमेंटेटर्स में, ज्यादा इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन नेम्स को ही डाला गया। टोटल 29 कमेंटेटर्स की लिस्ट में जो बड़े नाम जिन्हें हम जानते हैं, उसमें गावस्कर थे, शेन वॉटसन थे, रवि शास्त्री थे, हर्षा भोगले थे और ओएन मॉर्गन थे। हालांकि पाकिस्तान से भी कमेंटेटर है, लेकिन उम्मीद थी कि भारत से और कमेंटेटर्स हों, बट जाला नहीं गया है। लोकल कमेंटेटर्स जो ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री करते हैं, उनको ज्यादा तर्जियत और पैरवी दी गई है। हालांकि आप देखो, ये जहां भी वर्ल्ड कप होता है ना, उस देश के पर्टिकुलर कमेंटेटर्स ज्यादा होते हैं, ये हमने पहले भी देखा है, तो इस पर मुझे तो कोई ऐसा गिला है नहीं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जरूर इसमें सोचना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं भाई, छठवीं बड़ी न्यूज की यहाँ से बात करते हैं, और इस खबर के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वर्ल्ड कप का जो बिगुल है वो भारत के लिए अनाधिकारिक रूप से कल से बच जाएगा। दरअसल भारत कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुबह सुबह, कल मैंने टाइमिंग भी बता दी थी, सुबह सुबह अपना वार्म अप मैच खेलेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स। इसके तीन अजूबे नियम भी है, जो आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि वार्म अप मैचेस में इस्तेमाल होंगे। बट सारी चीजों को अगर हम किनारे रखें, तो भारत का कल हमें कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखेगा। कल हमें पता लगने लगेगा कि भारत आखिर किस कॉम्बिनेशन के साथ टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री की तैयारी कर रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, कितना एक्साइटेड है आप इस वर्ल्ड कप के लिए, कमेंट बॉक्स नीचे बताइए, और इस वीडियो को टीम इंडिया की जीत के लिए लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी न्यूज की दोस्तों यहां से बात करते हैं।
तो यार वार्म अप मैचेस के नियम जो है, तीन ऐसे अजूबे नियम है जो जरूर आप सुनिएगा, क्योंकि ये तीनों नियम वार्म अप मैचेस में इस्तेमाल किए जाएंगे। पहला नियम है नो प्लेइंग 11। बहुत सारे लोग वीडियोस भी डाल रहे हैं, लिख रहे हैं प्लेइंग 11 कैसी होगी वार्म अप मैच में। देखो यार, वार्म अप मैच में कोई प्लेइंग 11 नहीं होती है। 15 के 15 सदस्य पूरी स्क्वाड का जो रहते हैं, पूरी की पूरी स्क्वाड वार्म अप मैचेस खेलती है, और कभी भी कोई सा भी प्लेयर बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता है जो कि उस 15 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा है। तो पहला नियम जो अजूबा नियम है, देयर इज नो प्लेइंग 11। दूसरा नियम रिटायर्ड एड, कोई भी बल्लेबाज कभी भी अपनी मर्जी से विदाउट एनी इंजरी, बिना इंजर्ड हुए भी रिटायर्ड हर्ट हो जाता है। और यही कारण है कि मान लीजिए केएल राहुल खेल रहे हैं, 52 रन बना दिए, अब उन्हें आगे नहीं खेलना और आपको ऋषभ पंत की भी बल्लेबाजी देखनी उस पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो केएल राहुल अपने आप को रिटायर्ड हर्ट घोषित कर बाहर हो जाएंगे, अपनी पारी को डिक्लेयर कर देंगे और उसी समय ऋषभ पंत भी उतर जाएंगे। तो एक तरह से कोई भी बल्लेबाज कभी भी अपने आप को आउट ना हो रहा हो तो बाहर कर सकता है। और तीसरा है ओवर अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई भी गेंदबाज कितनी भी गेंदें फेंक सकता है, कितने भी ओवर्स डाल सकता है। ऑल दो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बट उस तरह से नहीं होते जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, और आधे आधे ओवर भी बॉलर्स डाल सकते हैं। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर गेंदबाज को देखना, और अमूमन टीमें यहाँ पर क्या करती है, जितने भी गेंदबाज स्क्वाड में होते हैं ना, सबसे एक एक बार बॉलिंग डलवा लेती है। वैसे ही हम कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के वार्म अप मैच में देखेंगे। तीन नियम थे, इन तीनों नियम के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से नौवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। सुरेश रैना ने दो खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया, बता दिया, जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी होंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। पहला नाम जो रैना ने बताया वो है हार्दिक पांड्या। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की एक तरह से छवि और भूमिका इनके कंधों पर होगी, तो वही बल्लेबाज के रूप में उन्होंने सूर्य यादव का नाम बताया। उन्होंने कहा कि जिस पोजीशन पर यादव जिस कंसिस्टेंट फॉर्म के साथ उतर रहे हैं वो भारत के लिए एक्सपेक्टर होगा। रैना ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भारत की जीत और हार में अंतर पैदा करेंगे। और रैना की इस बात से कम से कम मैं तो बहुत हद तक सहमत हूं। अगर आप भी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। रिपोर्ट है, खुशखबरी है, मिठाइयां बांटी है, कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, क्योंकि कल भारत की महिला टीम ने चटा दी थी धूल श्रीलंका को फाइनल में, और भारत ने एक और बार एशिया कप अपने नाम किया, वुमेन्स एशिया कप भारत के नाम हुआ। ये थी दिनभर की 10 बड़ी खबरें। आज आने वाली है Q&A वीडियो जो कि शाम तक आएगी, तो उसके लिए इंतजार कीजिए। इंडिया का जो मैच होने वाला है उसके लिए भी इंतजार कीजिए। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि आज भी आप इस वीडियो में जो सवाल पूछेंगे, आपकी Q&A जो आज आने वाली है उसका हिस्सा आप बन सकते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब आज आने वाली Q&A वीडियो में दूंगा, तो सवाल पूछते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।